दूसरा मेरा सवाल ये था, बुनियादी सवाल जो ये है कि आपके वो 15, 16, 17 एमएलए, चाहे वो आपके पीठ गाय के हैं, चाहे आपके इत्तेहादियों के हैं, आपके हों तो खतरनाक है, इत्तेहादियों के तो और भी खतरनाक है कि फिर आपका एतमाद का वोट कहाँ जाएगा। बट कमिंग बैक टू द मेन क्वेश्चन कि उन्हीं मुनहरिफ बागियों मुजरिम एमएलए से एतमाद का वोट लेंगे तो ये अखलाकी हायर मॉरल ग्राउंड तो ना हुआ ना, क्योंकि एतमाद का वोट ओपन होता है तो उसमें तो कोई ये बात आपकी सही है, लेकिन मुझे आप बताइए कि आप किसको सस्पेक्ट करें? क्या जो सारी असेंबली है जो 164 लोग या 165 लोग वोट जो हमें मिले हैं और जो 174 वोट जो खातून की उसमें हमें मिले हैं, उनको भी हम जो है वो 10 लोगों के लिए सबको डिस्क्रेडिट कर देंगे? नहीं, मैं सिर्फ ये सवाल कर रही हूँ कि मुजरिमों के वोट से एतमाद का वोट हासिल करके क्या वज़ीर आज़म इमरान खान, क्योंकि वो हमेशा एक हायर मॉरल ग्राउंड रहते हैं, वो उसूलों की बात करते हैं, उसूल पसंद शख्सियत है, तो मुजरिमों जिनको आज उन्होंने मुजरिम करार दिया अपने कौम से खिताब में, क्या उनका वोट लेके वो वज़ीर आज़म रहना पसंद करेंगे? मुझे आप बताइए ना, उन 200 लोगों में से कितने लोग, कौन से लोग हैं जिनको आप जाति समझती हैं उन्होंने वोट नहीं दिया और उनको निकाला?